हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मिसबा एंड ममाज ब्लॉग। गाइस, हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, और बाहर जाने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जा रही हूँ आज कपड़े पैक करने, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कल बाहर, और कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। आज कपड़े पैक करेंगे तो समझ आएगा कि क्या मतलब, छोटी मोटी चीज़ें अगर नहीं है तो फिर वो हम लेने जा सकते हैं, नहीं तो मतलब कुछ ले भी नहीं पाएंगे अगर कल पैक करेंगे तो। मम्मा को मैंने जगा कर रखा है, मम्मा मूवी देख रहे, और मम्मा बोल रहे मैं कपड़े पैक करने में हेल्प नहीं करूंगा, तो मुझे मतलब डबल काम हो जाएगा, कपड़े ले ले जाकर मम्मा को दिखाने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब रात हो रही है, 12 बज रहे, और फटाफट स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ कि क्या क्या कपड़े हमारे पास नहीं है। तो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं कपड़े निकाल कर, और मम्मा के इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि पूछो मत। मम्मा मुझे बोल रहे हैं कि सब फुल स्लीव्स लूंगा, सब फुल स्लीव्स लूंगा। क्यों, तुमको काली पीली टैक्सी बनना है? काली पीली टैक्सी में क्या? नहीं तो ये व्हाइट कैल्विन ले ले। हाँ, ये देखो गाइस, इनको सब फुल स्लीव चाहिए, इनको पता नहीं है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर गर्मी भी हो सकती है, और उस हिसाब से कपड़े ले। तो जबरदस्ती मैं इनसे यहाँ पर दो तीन हाफ स्लीव्स रखवा रही हूँ, बाकी ये खुद ब खुद सब मोटे मोटे फुल स्लीव्स ले रहे हैं, और क्या जूते भी निकालने के लिए तैयार हो गए। हाँ हाँ, ये रख दे सब, इतना क्या एक्साइटमेंट है। मम्मा तुम ये तो बताओ, प्लीज मेरा घर मत फैलाना। मैं एयरपोर्ट में ये जूता पहन लूं? हाँ देखो, इनको ये भी सूझी हुई है कि एयरपोर्ट पे क्या पहनूंगा मैं, पूरी दुनिया छोड़ो मैं एयरपोर्ट पे क्या करूंगा। एक पूमा का नया जूता रखा हुआ। हाँ ठीक है, हाँ तो एक ये ले लेता हूँ। हाँ है ना, और एक वो नया जूता ले लेता हूँ। ठीक है, बस ओके बस। और डन। और इंडियन पे क्या पहनोगे? हाँ इंडियन पे ये मेरा है ना। चलो बस बस, मम्मा एकदम रेडी हो गए, अभी क्रॉक्स पहनो। अरे मम्मा, तुम एयरपोर्ट पे क्रॉक्स भी पहन सकते हो। क्रॉक्स? हाँ फ्रॉक्स पहन लेता हूँ। क्या पहनोगे? फ्रॉक। हाँ फ्रॉक, फ्रॉक पहनोगे? हाँ, और सर पे वो भी लगा देना फिर। ठीक है, देखो गाइस, यहाँ मेरा कवर्ड भी तोड़ दिए। मम्मा इतना देर तक तुम्हारी तैयारी होगी तो मेरी कब होगी भाई? तेरी तो, मेरी तैयारी पहला होना चाहिए, तेरी तैयारी कभी भी हो सकती है। हाँ तेरा तो ज़्यादा हो सकती है। चलो तो अभी अपने चड्डे वड्डे निकालो, जो रात में पहनोगे वो भी निकालो भाई। कैमरे में दिखाएगी क्या तू? हाँ, अरे चड्डी नहीं दिखाऊंगी पागल, चड्डा निकालो, चड्डी में ले लूंगी पागल। आज मैं दो रुमाल भी लूंगा। अरे वो सब मैं ले लूंगी, तुम कपड़ा खाली निकालो। क्या रे, तो रुमाल चड्डी लेना है आज से? हाँ डेली नहाने के वजह, डेली नहाने का। क्यों, यहाँ पर डेली नहीं नहाते हो? मैं तो दो दो तीन तीन बार नहा रही हूँ दिन में। और चड्डा चड्डा हाफ लेने का, फुल लेने का? जो तुमको पसंद आए भाई, रात में पहनने को हाफ ही लो। हाफ लू ना? हाँ तो एक ये ले ले, बहुत गर्मी हो सकती है भाई। ब्लैक वाला है, और दो पैंट भी ले लो भाई, इमरजेंसी के लिए, कहीं नीचे जाना रहे चड्डे में नहीं जा पाओगे तो। अरे ट्रैक्स, ट्रैक्स ट्रैक्स लिया ना तूने? एक एक और ले लो भाई। ये देखो भाई, अपना ट्रैक्स इनका हो चुका है। चल ये ले ले, चल चल हो गया। और ज्यादा कम पड़ेगा तो इधर एक नया ट्रैक्स भी लाया गाइस, वो भी दे दो। ओके, कब लाए तुम ये? बहुत पहले लाया था। हाँ है ना। हाँ ये भी रख लो, एक ब्लैक ट्रैक लग रहा है। तो चलो चलो चलो, सब हो गया, मम्मा का सब हो चुका है। अब मम्मा को तब बुलाया जाएगा जब ऊपर से सूटकेस निकालना होगा। गाइस हम लोग जा रहे हैं। या बड़े खुश हो? हाँ आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, और वो भी प्लेन से सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो आप लोगों को पता है हम लोग गोवा से आए थे मुंबई निधा सुबह के साथ, सेकंड टाइम जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं वो भी नहीं बताएंगे, वो भी सरप्राइज है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, तो उसके लिए हम लोगों को करनी है थोड़ी बहुत शॉपिंग, और अभी मैं जा रही हूँ पहले शॉपिंग पर, मतलब पहले मैं शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर लूँगी, और वहाँ पर आने, वहाँ से आने के बाद मैं करूँगी तैयारी। और मम्मा अभी तक सो रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, बाहर हो गई है बहुत तेज़ धूप, यहाँ पर सो रहे है। और गाइस यहाँ पर धूप देखो कितनी है, बाप रे। अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हाँ ये तो मैंने लाइट चालू की है, लाइट बंद करने के बाद यहाँ पर इतना अंधेरा है, मतलब एक इंसान कंफर्टेबली सो सकता है, और बाहर देखो कितना उजाला है, देखो गाइस, और अब यहाँ कितना उजाला हो गया, और अब देखो कितना अंधेरा हो गया, मतलब ये पर्दे बहुत ही अच्छे हैं। तो चलते हैं फटाफट गाइस नीचे, तो चलते हैं फटाफट गाइस नीचे, और नीचे जाकर शॉपिंग कर लेते हैं, और फिर आपको मिलते हैं। फाइनली गाइज, आप लोग मेरी हालत देख सकते हो, बस दो दुकान में घूमी हूँ नीचे आकर, इतनी धूप है बाहर, इतनी धूप है कि मेरी हालत हो गई है ख़राब, और हालत ख़राब होने की वजह से मुंह पूरा लाल हो गया है,
और बस अभी थोड़ा टाइम में यहाँ से निकलेंगे और डीकैथलॉन जाएंगे। मुझे वहाँ पर चाहिए थोड़ी सी पैंट्स और देखते हैं कि हम लोगों को और क्या क्या लेना है। यहाँ पर आ गया था धूप के बाद तूफान और हम लोगों को टेंशन हो गई कि भाई घर में कपड़े बाहर सूखे हुए अब क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि देखो अब धूप आ चुकी है फिर से और वापस से थोड़ी सी धूप आ गई है तो मतलब बारिश नहीं होगी। और बस ये भी टेंशन थी कि भाई बारिश होगी तो फ्लाइट फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए, तो अल्लाह का शुक्र है धूप आ गई है, थोड़ा हवा चली, बहुत तूफान आया, मेरे पूरे बाल भीग गए। चलो कोई बात नहीं, पहले डी कैथलॉन चलते हैं, अपना सामान ले लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग डी कैथलॉन से दो मैंने कॉटन की पैंट ले ली और हम लोग फटाफट आ गए वापस से जूडियो और जूडियो में देखते हैं क्या पसंद आता है और थोड़ा इसको भी शॉपिंग करा देंगे यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा बहुत बैग हम लोगों ने पैक कर दिया है और ये बैग में से जो साड़ी आती पुरानी वो निकली है, सब मेरी मम्मी की साड़ी है। और गाइज बहुत थक गई हूँ मैं और मम्मा का क्या क्या सामान है वो सब पूछना है, मेरा इस्त्री से कपड़े आ जाएंगे तो फिर वो लगाना है। तो आज पैकिंग करते वक्त मैं आपको मेरा ड्रेस का कलेक्शन बताऊंगी कि मैं वहाँ पर क्या क्या कपड़े लेकर जा रही हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मतलब मैंने नए कौन से सिला है। और बैग मम्मा ने बोला एक ही होना चाहिए लेकिन मुझे लगता है दो बैग हो जाएंगे, तो बस यही बचा है और क्या। तो गाइस मैं तब से बोल रही थी सुहाना को कि सुहाना हम लोग जा रहे हैं, टेंशन मत ले, इडली का आटा मैं खत्म कर दूंगी, कैसे भी इडली का आटा या सब कुछ मैं काम करता हूँ, जो तुमको सामान रखकर सब लेके जाता हूँ, खत्म ही करना है ना तुमको। और देखो दीशा ना रखे रखे खराब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं वो खराब नहीं होगा, ये सब रखा है फ्रिज खाली कर दे दो पूरी, इतना बेकार है सामान ही खाली कर दिया, इडली का आटा खत्म नहीं हो रहा था तो अच्छा बस ईशान आ गया, अब इडली का आटा खत्म हो जाएगा, डोसे का। चलो सही है, क्या सही है, खा लो तुम, खत्म करो, क्या सही है, डोसा खत्म करो। उसपे ना हम लोग का नाम लिखा था इसलिए हम लोग आ गए। सही बात है तुमने तुम्हारे वजह से कुछ नहीं होना, मेरा नाम लिखा, ये तुम्हारा नाम लिखा है, ये बात अभी देख रहा हूँ मैं, और किसी चीज पे लिखा है तो लेके जाओ। सो गाइज देखो ये लोग दोनों यहाँ पर घुस गए अंदर, क्या कर रहे हो यार, एकदम जादू है, तुम लोग यहाँ खड़े रह के क्यों खा रहे हो, मगर बोले वहां तक जाने का भी टाइम नहीं, हम लोग इतनी खा रहे हो गाइज, इधर बन रहा है डोसा, आलू का आलू तुम्हारा पति की है, नहीं नहीं सादा ही दो, मैं ये नहीं बोल, ये ना क्या बोली हम लोग मालूम, अच्छा हुआ तुम लोग आए, खत्म नहीं हो रहा था। अरे हाँ, तुम लोग जा रहे हो ना, मैं आ रहा था इसको सब खत्म करके जाने का था, तो हमने बोला ठीक है, मैं फ्रिज खोल के खा गया, मैं बोला ये ला भाई ये सब दे दे, तो फ्रिज में जो भी रखा है सब खत्म कर दे फिर आज, भाई तो मैं बोल रहा हूँ इसको दे दे पार्सल लेके जा दो फिर, हाँ ये दे दे रे, दे दे भाई, ये चीज खत्म हो गई, अभी वो चीज डाली, वो चीज भी खत्म हो गई, चीज खत्म हो गई, चीज खत्म हो गई, अरे अरे हां तो डालो ना मम्मा, चीज दो यार, रुको मैं निकालता हूं ना, सब खत्म करने गए, तो मैं मेरा आधा किलो आटा खत्म नहीं होगा, फिकने में चले आएगा तो अच्छा है यार, ये लो ये लो और कुछ खत्म करना है तो बोलो, पार्सल भी लेके चले जाएंगे। जिशान आया इसी के लिए आज लगता है मुझे, भाई मैं डाइट को लेकिन खा रहा हूँ, हाँ इतना अच्छा लगा डोसा, लेकिन डोसा तो खा सकता हूँ, हाँ डोसा खा सकते हैं, अब घर जाके चावल नहीं खाऊं, चावल खाते हैं ओनली 300 ग्राम इन अ डे, गाइस ये कौन सा फिटनेस चालू है, ये चावल खा रहा है 300 ग्राम, अरे वाह। तो गाइस चलो इन लोग को लगता बहुत ज्यादा भूख लगी, लोग बहुत ज्यादा लगता मेरे को जिम करके लगता, डायरेक्ट तुम लोग इधर ही आए हो, हाँ सुबह में देखो गाइस अभी क्या बोलो, गाइस क्या बोलू मैं इन लोग को, इन लोग भपे देखो बिगर कुछ करे यार, बिगर कुछ करे यार, बिगर कुछ करे ना, डाइट करो ना कुछ करो, अभी मैं क्या तो गाइस चलो इन लोगों को खाने देते हैं और ये मिसबाग दिखा दिखा, एक बार मैं नहीं, तो गाइस जीशान को एक नहीं छह एप्स है, आठवा अभी भी हो जाएगा, एक नहीं छह एप्स, कौन सी स्कूल एप्स एप्स ए बे, मैं बोल रहा हूं एक नहीं छह एप्स, चार रुपए। तो चलो गाइस लोग खाने देते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत खा लेता हूं, मुझे जाना है ऑफिस क्योंकि हम लोग को निकलना है आज बाहर,
तो आप लोगों को पता नहीं है, हम आपको बताने वाले किधर जाने वाले, तो देखते हैं। लोग बहुत दिन के बाद आए हैं, तो कोई बात नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बिंदास खाओ तुम लोग, बिंदास, कोई रोक टोक नहीं है तुम लोग। तो गाइस अभी सिर्फ मामा के कपड़े पैक हुए हैं और मेरे कपड़े अभी नहीं पैक हुए हैं, क्योंकि इस्त्री वाले के पास से इतने कपड़े अभी तक आए नहीं है, और मैं अपना मेरा वीडियो ये कंप्लीट हो चुका है, और इस वजह से अब जो मेरे कपड़े हो गए वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, और वो व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो उसमें थोड़ा सा टेक डाल दूंगी अपने कपड़ों का। तो बस गाइस इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग यहाँ पर करती हूँ एंड, और जीशान लोग भी जा चुके हैं पहली बात बता दूँ, और चलिए फिर प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। मिलते हैं गाइस हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में।